रेड एफएम मराठी चॅनल सबस्क्राइब करा आणि अपडेट्स मिस न करण्यासाठी बेल आयकॉनवर क्लिक करा. पूरी ड्रेस खराब कर दी. जब पे आ रही थी एक कार वाले ने जानबूझकर मेरे ऊपर कीचड़ उछाल दिया. खराब कर कहीं का, मेरा मतलब है लॉटरी कहीं का. दोस्तों वैसे आपको तो पता है इस दुनिया में प्रॉब्लम्स की कोई कमी नहीं है. पहले उन लोग बुरा पाने पर दिल तोड़ देते थे लेकिन आजकल घर तोड़ देते हैं. लेकिन फिर भी अगर आपको ये प्रॉब्लम्स होने के बावजूद भी आपके दिमाग का दही नहीं बना तो ये जो मूवी है कार्गो ये आप ही के लिए है. आपने कभी सोचा है मरने के बाद लोगों का क्या होता होगा? ये जो राइटर है इसके पास बहुत सारा खाली वर्क था तो इसने सोच लिया इतने 2020 सप्ताह संपेना और यहाँ लोग 2027 साइफर स्टोरी सोच लिए. तो इस राइटर के हिसाब से 2027 में राक्षस और ह्यूमंस इनमें एक पीस ट्रीटी साइन होती है. लोग मरने के बाद उनको अंतरिक्ष में एक स्पेस स्टेशन पर भेज दिया जाता है जहाँ पर उनका ट्रांजिशन होता है, उनका हीलिंग होता है, उनकी मेमोरी इरेज की जाती है और सब करने के बाद उनका एक्सट्रैक्शन किया जाता है. अब ये जो बात है ये पहली बार देखते हो तो आपको लगता है ओह ये तो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, कुछ तो अलग है इस स्टोरी में. मुझे लगता है कि अभी प्लॉट बिल्डिंग शुरू है, थोड़ी देर में स्टोरी शुरू होगी. अब शायद स्टोरी शुरू होगी, अब शायद यहाँ पर कुछ तो ट्विस्ट आएगा, शायद इसके आगे स्टोरी शुरू हो सकती है. इसके आगे स्टोरी शुरू होनी चाहिए, अब तक भी नहीं हुई स्टोरी शुरू. कहाँ है स्टोरी, कहाँ है स्टोरी? स्टोरी है और फिर 113 में से 100 मिनट खत्म होने के बाद आपको समझ में आता है कि इस मूवी में स्टोरी है ही नहीं. कहाँ गया वो बुलडोजर, चलाओ इस पर. ये सारे व्यूअर्स हैं जिनको लगता है कि इस मूवी को अवार्ड्स मिलने चाहिए. सच में बताओ कुछ समझ में आया था? मम्मी की कसम खा के बोलो, ऐसे ही पैसे लेके तो रिव्यू नहीं किए जा रहे हो. पाप चलेगा पाप. देखो भाई अब बात यह है कि भले ही इन लोग ने स्लीपिंग पिल्स को टक्कर देने वाली स्टोरी बनाई हो लेकिन एक्टर्स तो इन्होंने तगड़े ले रखे हैं. और फिर उन बेचारों ने तो अपना 100% दे ही दिया, देना ही पड़ा होगा. हे मुझे कसम साला स्टोरी इतना ही जीव और मैंने एक्टिंग करूं दाखियो. इस मूवी में प्रहस नाम के राक्षस का रोल किया है विक्रांत मसी ने और उनकी जो असिस्टेंट होती है युविष्का नाम की राक्षस उनका रोल किया है श्वेता त्रिपाठी ने. आपको पता है हम बचपन से जिन राक्षसों को देखते आए हैं उन राक्षसों से ये राक्षस बहुत ज्यादा अलग है. ये बहुत ज्यादा हमारे जैसे है और क्यों ना होंगे, मेकअप का खर्चा जो बचाना था. ये जो विक्रांत मसी है इनका दूर के चाचा, मामा, मासी का बेटा ऐसा कोई भी इस इंडस्ट्री में नहीं है, फिर भी कितना अच्छा कर रहा है. इसको कोई भी किरदार दे दो चार चांद लगा ही देता है. और फिर मूवी देखते वक्त एक पॉइंट पे आपको लगता है कि पोरगो एवढं जीवोतीन काम करता है, स्टोरी मध्ये थोडा सा लॉजिक हटला असता तर तुमचं काय बिघडलं असतं. श्वेता त्रिपाठी इनको हम मसान, हरामखोर, मेरा मतलब है नॉटी, इन सारे मूवीज में हम देख चुके हैं. बहुत अच्छी एक्टिंग करते हैं. इस मूवी में भी इन्होंने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है. चेहरे पर सारे इमोशंस साफ साफ दिखाई देते हैं. कहीं पंकज त्रिपाठी जी आपके चचा तो नहीं? आरती कटाव जी लो बजट में साइफा मूवी बनाना कोई आपसे सीखे. वैसे मुझे बताइए वो सीजीआई इफेक्ट्स वालों से भी कोई पंगा हुआ था क्या? अब उनको फ्री में काम करने बोलेंगे तो वो तो ना ही बोलेंगे ना. चलो कोई बात नहीं, अगली बार स्टोरी पे थोड़ा ज्यादा ध्यान दीजिएगा. मैं तो कहती हूँ हो सके तो एक दो शक्तिमान वाले एपिसोड्स भी देख लेना. वो क्या है लोगों के 113 मिनट बहुत ज्यादा कीमती होते हैं. यहाँ पर पलक झपकते ही क्या क्या अनहोनी हो जाती है 113 मिनट में. तो लोग ये क्या है, ये बार बार क्यों दिखा रहे हो? सिक्योरिटी, सिक्योरिटी कहाँ हो तुम? इस मूवी का सेवियर है इसका बैकग्राउंड स्कोर जो आपको पूरी की पूरी अंतरिक्ष वाली फीलिंग देता है. एक दो मिनट के लिए तो आपको लगता है कि आप सच में कोई साइफाई मूवी देख रहे हो. इस बात का पूरा क्रेडिट जाता है शेजान शेख को. वैसे आप अच्छे लॉजिक वाले प्रोजेक्ट्स के लिए मुझे जरूर कॉन्टेक्ट कर सकते हो. मैंने सुना है कुछ लोग नींद आने पर भी शॉट्स लगाते हैं, कुछ लोग स्लीपिंग पिल्स खाते हैं, कुछ लोग डॉक्टर्स के पास भी जाते हैं और कुछ लोग तो कंपाउंडर से भी दवाइयां लेते हैं. पर आपको ये सब नहीं करना पड़ेगा. जर तुम्हाला झोप येत नसेल तर तुम्ही हा मूवी बघायला सुरुवात करा. 10 मिनिटात तुम्हाला झोप येईल और अंतरिक्ष वाले सपने बिल्कुल फ्री. वैसे मैं आपको सजेस्ट करूंगी 113 मिनट बर्बाद करने से अच्छा है आपको अगर अंतरिक्ष वाली फीलिंग चाहिए तो आप बस एक शॉट लगा ले, सीधा स्पेस में चले जाओगे. तो जाहिर है इस मूवी को भी मैं दूंगी एक ही शॉट क्योंकि ये मूवी आपको अंतरिक्ष में ले जाए या ना जाए शॉट जरूर ले जाएगा. 3.5 बजाते रहो.